या इट्स रीवाइंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम 2020 को रीवाइंड करने वाले हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैसे तो मेरा एक एनिमे चैनल है, लेकिन हम पूरे यूट्यूब पर रिवाइंड करेंगे और देखेंगे क्या क्या हुआ इस साल। तो सोचा जाए तो इस साल काफ़ी कुछ हुआ जिसे हम भुला भी नहीं सकते। इस साल बहुत कुछ हंसने लायक हुआ और बहुत कुछ रोने लायक, जैसे कि हमारे मोस्ट टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को हमसे छीन लिया गया इस 2020 के द्वारा। एक पल को तो विश्वास भी नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 2020 को कुछ और ही मंजूर था। और इस साल फैले हुए कोरोना वायरस ने भी दिमाग का भाजीपाला करा। पहले स्टार्ट में कितना अच्छा लगा था जब स्टार्टिंग में कोविड की वजह से स्कूल बंद हुए, तब मैंने सोचा अब भी मजा आएगा ना भीड़। लेकिन स्कूल न खुलने से हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। छुट्टियों की लिमिट से दिमाग सच्ची में खाली हो गया एकदम। और एक सेकंड रुको, और जो ऑनलाइन क्लास हुई और फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम वैसे तो भाई बड़ा सख्त लौंड हो, लेकिन एग्ज़ाम में अपने सामने आंसर देख के भाई मैं तो पिघल गया। लेकिन आपका क्या है वो आप बताना ज़रूर कमेंट में, आप पिघले कि नहीं पिघले। और भाई आगे बढ़ने से पहले, आप में से 83% लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी मेरे वीडियो देखते हो, भाई प्लीज़ भाई दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। भाई समझ गए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें मोटिवेट करते हुए जाएगा। तो इस साल हुआ सबसे घमासान युद्ध यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और आप किस में से हैं आप बताना ज़रूर। जिसकी शुरुआत हुई एल्विस भाई के रोस्ट वीडियो से, और जब लोगों ने कहा कि कैरी को भी रोस्ट करना चाहिए, तो जब कैरी ने अपना रोस्ट निकाला तो उसके कुछ समय बाद उनका वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक से हट गया। तब कैरी ने जवाब दिया अपने यलगार के साथ और इस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का एंड किया। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से दो लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एक आमिर सिद्दीकी वो फेमस हो गए, और दूसरे हमारे करीम नाटी, उनके भाई जो सब्सक्राइबर बढ़े सीधा 10 मिलियन से, सीधा कितने ज़्यादा अभी रुके भी नहीं है भाई, 27+ मिलियन सब्सक्राइब। इसके बाद एक और वॉर हुई थी इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया ने चाइना को बॉयकॉट करने, मतलब चाइना के हर सामान को बॉयकॉट करना चाहा, और आपको पता है किसने कैसे बॉयकॉट किया, आपने क्या क्या किया बॉयकॉट बताना ज़रूर। और 2020 में एक और मुद्दा उठा था नेपोटिज्म, आपको भी पता है नेपोटिज्म क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इसी को नेपोटिज्म कहेंगे। नेपोटिज्म बॉलीवुड की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड में हर जगह नेपोटिज्म है, और किसी महान व्यक्ति ने कहा है नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हर जगह होता है, और हर किसी में टैलेंट है तो इंटरनेट ओपन है। और बॉलीवुड की बात हो ही रही है तो एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। क्या बोला तूने? इट्स हर चॉइस। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? बजा सातवीं फेल। और इस साल यूट्यूब पे इंडिया का पहला गाना जो 1 बिलियन क्रॉस किया वो बना लौंग इलायची। लेकिन उसके बाद बहुत सारे गाने 1 बिलियन क्रॉस हुए, और लौंग इलायची वाले ने पक्का सोचा होगा चीटिंग करता है तू। इस साल दो नए रिकॉर्ड बने, एक बना मोस्ट लाइक ट्रेलर और दूसरा बना मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर। पहला जो लाइक ट्रेलर बना वो बना दिल बेचारा, और मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बना सड़क 2। वो आपको पता है क्यों? एनिमे को कवर करने से पहले हम थोड़े यूट्यूब ट्रेंड्स को देखेंगे कि इस साल क्या क्या चला। पहला ट्रेंड था ये, और भाई जब भी ये ट्यून बजता तो मेरे को लगता है किसी के साथ ख़त्म बाय बाय टाटा वाला सीन होने वाला है, और मैं रेडी हो जाता है कि ये सीन मेरे साथ ना हो जाए। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। रसोड़े में कौन था ये में भी इतना ज्यादा फेमस हुआ कि भाई सेलिब्रिटी तक इस पे नाचे। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहां कौन था? मैं थी। इस वीडियो से यशराज मुखाते बहुत ही ज्यादा फेमस हुए और उन्हें सपोर्ट भी बहुत मिला। और इस साल का सबसे ज्यादा फेवरेट मीम विनोद कौन है ये मीम इतना ज्यादा फेमस हुआ कि भाई अगर मैं अपने दोस्त से भी पूछता कि भाई क्या चल रहा है तो वो भी कहता विनोद चल रहा है भाई। इस साल इंडिया में तो सिर्फ डोरेमोन और सिर्फ शिनचैन ही चला, और अगर हम थोड़ा बड़े बच्चे मतलब जो थोड़ा बड़े देखते हैं तो जैसे पोकेमोन ये सब, तो पोकेमोन का हमें सीजन 23 देखने को मिला पोकेमोन जर्नीज के रूप में इंग्लिश डब्ड। और इस साल इंडिया में एक एनिमे और बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो था
अटैक ऑन टाइटन ये एनिमे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। यहाँ तक कि हर पोक्यूट्यूबर एनिमे ट्यूबर और हर एक एनिमे लवर ने इस सीरीज़ को देखा और बहुत पसंद किया, इसलिए इंडिया में काफ़ी चला। और इस साल हमारे फेवरेट एनिमे डबिंग आर्टिस्ट और बहुत सारे आर्टिस्ट यूट्यूबर इंस्टा के थ्रू हम फैंस के साथ जुड़े, जैसे गोकू की वॉइस अंकुर झावेरी और पोकेमॉन एश केचम की वॉइस नच के दिए और डोरेमोन सोनियो की वॉइस वजाहत हसन और भी वॉइस आर्टिस्ट हमसे जुड़े 2020 में। और इस साल हुआ एनिमे की दुनिया बहुत ही बड़ा धमाका जो कि दिया मुगान ट्रेन ने। मुगान ट्रेन भाई इतनी ज़्यादा फेमस हुई ब्लॉकबस्टर कि इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और नंबर वन क्रॉसिंग पे आई। और इंडिया में तो ये डब नहीं हुई लेकिन तब भी हमने संकेत महात्रे सर के साथ पिटीशन साइन किया इंडिया में इसको लाने के लिए। और भाई अगर आप अभी तक मेरे साथ हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और भाई बताना रिवाइंड कैसा लगा। और भाई मैं लेट रिवाइंड के लिए अभी भी माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।